कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मरा था, यह तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे? आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। वीर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक के बारे में तो सब जानते हैं, जिसने अपनी जान देकर भी महाराणा प्रताप को बचाया था। लेकिन चेतक जैसे ही एक स्वामी भक्त घोड़े सुब्रक के बारे में कोई नहीं जानता। तो मित्रों, आज सुनिए कहानी उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह जी के स्वामी भक्त घोड़े सुब्रक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताने में जमकर कहर बरपाया और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह जी को बंदी बनाकर लाहौर ले आया। कुंवर कर्ण सिंह जी का एक सुब्रक नाम का घोड़ा था और वो घोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ही पसंद आ गया और वह उसे भी अपने साथ लाहौर लेकर आ गया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर शाह को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया और यह तय हुआ कि राजकुंवर का सिर काटकर उससे पोलो खेला जाएगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक गलती कर दी और वह कुंवर शाह के ही घोड़े सुब्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आ गया और सुब्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और जैसे ही सिर कलम करने के लिए कुंवर शाह की जंजीरों को खोला गया तो सुब्रक से रहा नहीं गया और उसने उछलकर कुतुबुद्दीन को अपनी पीठ से गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए और इस्लामिक सैनिक अचंभित होकर देखते ही रह गए। वो कुछ कर पाते इससे पहले ही सुब्रक ने कुतुबुद्दीन के सीने को चीर के रख दिया। मौके का फायदा उठाकर कुंवर शाह सैनिकों से छूटे और सुब्रक पर सवार हो गए और सुब्रक ने हवा से बाजी लगाते हुए लाहौर से उदयपुर बिना रुके बिना थके कुंवर शाह को पहुंचा दिया और राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पाया कि वह एक प्रतिमा बनकर खड़ा था, उसमें प्राण ही नहीं बचे थे और सिर पर हाथ रखते ही सुब्रक का निष्प्राण शरीर लुटक गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वामपंथी और मुगल परस्त लेखक अपने नाजायज बाप की ऐसी दुर्गति वाली मौत बताने से हिचकिचाते हैं, जबकि फारसी भाषा के कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन की मौत इसी तरह लिखी गई है। नमन है उस स्वामी भक्त घोड़े सुब्रक को, जिसने अपने स्वामी के लिए अपनी जान भी दे दी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।